ऑल राइट, तो गाइस फाइनली मिल गया ये, और बहुत खुशी हो रही थी भाई, क्या बताऊँ। और कितने गंदे मतलब एनिमेशन में मुझे मिली थी, मैंने स्किप कर दिया था, बहुत गुस्सा आई थी। बट फेक आउट में ये मुझको बंदा मिल गया। रात को कुछ मैंने समन किया था सीसी सी ग्रेंड कर, भाई साहब फाइनली मिल गया। और तो फटाफट मैं इसकी वीडियो लेकर आ गया शोकेस की, और रात को ही खेल लिया था 4-5 मैच। तो फटाफट देखो मैचेस, 3 स्टार हो गया, आप देख ही रहो, और 3 स्टार के स्टैट्स पे आपने देख ही लिए होंगे, सब कुछ देख लिया होगा आपने, क्योंकि जिनको जिनको मिल गया होगा तो वो तो भाई साहब देख चुके होंगे क्या क्या सीन है। तो आप देख ही रहो, काफी 3 स्टार के लिए काफी डिसेंट स्टैट्स हैं, जो होने चाहिए वही हैं। और आप देख रहे हो अपने साथ एक स्ट्राइक और एक ब्लास्ट होल्ड करता है, और आप देख रहे हो कि उस पर जो 10% का डैमेज इन्फ्लिक्टेड है, वो भी 10 टाइमर काउंट के लिए। तो बहुत ही ज्यादा ही, ये बहुत ही ज्यादा ओपी बोल सकते हो, क्योंकि ये चीजें अदर करेक्टर्स के लिए भी अप्लाई होती हैं। और आप देख रहे हो स्ट्राइक पे, आप देख रहे हो कि ये 20% का स्ट्राइक डैमेज करता है 5 टाइमर के लिए, जब भी ये स्ट्राइक यूज करता है। तो हमेशा ये दोनों पे है, स्ट्राइक और ब्लास्ट दोनों पे है, तो ये दोनों के ऊपर बफ करता है भाई साहब ये स्टैग्ड। सोचो अगर हर बार ये यूज कर रहा है, तो भाई 20-20 करके कितना ज्यादा ये स्टैग्ड कर सकता है ये चीज। उसके बाद आप देख रहे हो सिल्वर ड्रैगन गॉड का में हमें, तो भाई साहब मैसिव इंपैक्ट डैमेज करता है, 25% तो स्पेशल मूव डैमेज होता है 3 टाइमर काउंट के लिए। एलाइज को सब्स्टिट्यूशन जो है वो करते समय -2 कर देता है, ये अच्छी बात है। और बहुत सारे अटैक से ये नलीफाई, जैसे कि क्लैश होगा तो ये जीत जाएगा, क्योंकि सुप्रीम होता है ये जो ब्लू कार्ड होते हैं, और ये कहीं टीच नहीं कर सकते इसको ऐसे। ग्रीन कार्ड देख रहे हो कि जब भी ग्रीन कार्ड करता है 35 की रिस्टोर करता है, एक स्ट्राइक कार्ड ड्रॉ करता है, अपनी जो गॉज है वो 25% की चार्ज करता है, प्लस अल्टीमेट को मतलब 30% तक अल्टीमेट आप उसको बूस्ट कर सकते हो 2 ग्रीन कार्ड से। ये बहुत सीधे है, अपने सारे डाउनग्रेड्स को भी कैंसिल कर सकता है। तो दूसरा जो अल्टीमेट आपका देख रहे हो कि सुप्रीम इम्पैक्ट डैमेज करता है, 30% अल्टीमेट होता है 3 टाइमर काउंट के लिए, -100% एनिमी सस्टेन डैमेज कट फॉर 3 टाइमर काउंट। सपोज एट एनिमी का जो सस्टेन डैमेज कट अगर वो कैंसिल किया जा सकता है, तो वो आप पूरा 100 कर देगा, मतलब उसको ये कर सकता है, और अपने अल्ट से वो कर सकता है, नलीफाई कर सकता है किसी भी कैरेक्टर का एंडोरेंस। तो और एक साइड चीज है जो आपने SSB कायोकेन गोकू को देखा था, कि सामने अगर ब्लास्ट पे आपने अल्टीमेट चलाया तो वो उसको डॉच करते हुए आगे जाएगा, उसको डैमेज लेते हुए नहीं जाएगा, तो ब्लास्ट आर्मर नहीं है, ये बहुत अच्छी मैकेनिक है। और उसके बाद आप देख रहे हो कि मेन से कुछ खा, मतलब मेन से कुछ उतना है नहीं। अब नलीफा जब कवर चेंज हो सकता है 30 टाइमर काउंट के लिए, अगर जब मेन आप दापते हो तो, ये अच्छी चीज़ है वैसे। और हेल्थ रिस्टोर करता है 35%, और आप देख रहे हो कि 3 टैग को बूस्ट करता है, USS को बूस्ट करता है, सैंस को बूस्ट करता है, और गॉड की को बूस्ट करता है। तो 6 स्टार पर ये बाकी 2 टैग खुल जाएंगे, अभी तो भाई साहब मेरे के लिए गॉड की और USS ही खुला हुआ है। ओके, तो ये सीन है, काफ़ी बढ़िया है। अल्टीमेट ऑफ द हैंड जब भी बैटल फील्ड में एंटर करता है 90% का डैमेज इन्फ्लिक्टेड करता है, 50% का डैमेज कम लेता है, कार्ड ड्रॉ की स्पीड मिलती है, जो कैंसिल सभी सब नॉन कैंसिलेबल है, कैंसिल नहीं किया सकता, की रिस्टोर करता है 40, जो बहुत ही बड़ी अमाउंट है। उसके बाद अगर आप देखते हो कि 40% के एक्स्ट्रा डैमेज इन्फ्लिक्टेड करता है 15% और मतलब ये 50 और ये 15 मतलब मिला के 65% तक का डैमेज कम लेगा जैसे जैसे ही बैटल फील्ड में आता है। और जैसे ये एनिमी का सपोज एड वैनिशिंग से लिखा है इस पर कि अप्लाई द फॉलोइंग इफेक्ट टू सेल्फ व्हेन द कैरेक्टर इवेट्स एन एनिमी विद अ वैनिशिंग स्टेप। तो देखो वैनिशिंग है, वैनिशिंग स्टेप मतलब ये हो सकता है कि जो आप अटैक को डॉच करते हो, ना कि यूनिगॉज वाला, तो यूनिगॉज की बात नहीं है, वैनिशिंग स्टेप है। जैसे कि आपने एनिमी अटैक किया, आपने डॉच किया, तो एक्स्ट्रा आप 20 की और मिलती है, प्लस 20% का आपका जो नेक्स्ट कार्ड यूज करते हो वो होता है। जैसे कि आपने ब्लास्ट की स्ट्राइक किया, तो वो अटैक बफ होता है स्टेप बैनिशिंग करने पे। ओके, तो ये सीन है, काफ़ी बढ़िया है। और अब ये देखो जब भी अपना कोई भी कार्ड यूज करता है, स्ट्राइक करता है या ब्लास्ट यूज करता है, 2 कार्ड में से कोई कार्ड यूज करता है, तो अपना जो यूनिक आज वो 15% तक रिफिल कर सकता है, यानी 3 कार्ड यूज करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% भर जाएगा, मतलब वहां खड़े रह सकते हो बैटल फील्ड में, ये सीन है। और एक बार जब इसके 2 करेक्टर मर जाते हो, तो ये नेमेकू की तरह इसको भी मतलब बोल सकते हो कि 40% की HP रिस्टोर करता है, बट ये एंडोरेंस के रूप में यूज करता है, इसको एंडोरेंस मिल जाता है, और जब भी एंडोरेंस मिलेगा इसको 40% की HP रिस्टोर कर कहता है, इसकी यूनिक कॉस्ट पूरी पूरी 100% भर जाती है। ओ भाई साहब परफेक्ट इंस्टेंट है, और इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस ये बताया गया कि इसके पास कवर चेंज है, 2 बार कवर चेंज कर सकता है, और जैसे कि लाइक आपका गोजीटा था SS4 वाला और आपका MUI था साइन वाला, उसकी तरफ, ठीक है। और इसमें कुछ और खास नहीं है, और हाँ अगर सपोज एट एनमी अटैक करता है तो जो यूनिक ऑज उसका 30% कम हो जाएगा, तो ये सीन है। आप उसको पास में जाकर टैप कर दो या फिर टैकल करोगे तो वो उस चीज़ को भी डॉज कर सकता है। तो ये सब चीज़ें किन किन अटैक्स को डॉज कर सकता है आप देख सकते हो, टैप अटैक को डॉज कर सकता है, टैकल स्ट्राइक सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। काफ़ी खास, इतनी बड़ा पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया यार, क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, और बस ये कुछ यहाँ पर कंडीशन बताइए कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये सब आप पहले से भी जानते होंगे। तो फॉलोइंग चलो फटाफट चलते हैं PvP में और देखते हैं यार ये यूनिट कैसा कर सकता है। तो लेट्स जंप इनटू
पीपी। द फर्स्ट मैच गो अप अगेंस्ट गॉड की टीम और बंदे के पास काफ़ी अच्छी टीम है। देख रहे हो कि भाई कायकन मतलब रन कर रहा है, भाई इसने कैच कर लिया, व्हाट। ओके ठीक है, तो भाई फर्स्ट मैच विद माय अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, मतलब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, और देखते हैं यार क्या मास्टर कर पाते हैं कि नहीं। तो गाइस जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ यार लाइक एंड सपोर्ट जरूर दिखाना यार, बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट पूरी लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। एंड हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आकर अपने QR कोड स्कैन और जितने भी आप गेम से रिलेटेड फ्लैग्स हैं वहाँ आकर कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर सर ब्लू कार्ड पर मैं कैच नहीं कर पाया था इसको। ओके लेट्स सी। ओके फाइनल, तो यहाँ पर कैच कर लिया हमने इसको यहाँ पर। ओके लेट्स गो। तो भाई का ओके मेरा 3 ही स्टार है, बट यहाँ पर मैंने भाई डैमेज थोड़ा ठीक था, यहाँ पर उसने स्विच कर दिया। लगता है मुझको भी स्विच ही करना पड़ेगा वेजिटा में, क्योंकि वेजिटा जब भी बैटल फील्ड में आता है तो की आता है साथ नहीं आता है, मैं भूल गया हूँ। क्योंकि वेजिटा की मैंने जब मैंने वेजिटा का शोकेस किया था तो मैंने उसकी किट ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम माइंड जो था ना एकदम ख़राब था, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, क्या है बस यू नो ऐसे ऐसे करके मुंह करके मैंने पढ़ लिया था, बट कुछ समझ ही नहीं आया था। बाद में अब थोड़ा मुझे खेलने आया तो मैं मुँह थोड़ा सा फ्रेश हुआ कि मैं चलो अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी भी पढ़ी नहीं है, मतलब देख लेना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो MUI की मैंने उसे काफ़ी पूरी देख ली थी, क्योंकि बैटल फील्ड में क्या क्या करता है उसे अपोनेंट भी जब यूज़ करता है तो पता ही चल जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ बट ठीक है। ओके यहाँ पर मैं आगे जा सकता था बट गया नहीं, हो सके उसमें स्विच कर देता तो ज़्यादा दिक्कत होती। ओके यहाँ पर कैच तो कर लिया था बट उसके पास कवर चेंज है 2 बार, तो स्ट्राइक और ब्लास्ट पे दोनों पे ही कवर चेंज कर सकता है। ओके लेट्स सी। तो यहाँ पर स्ट्राइक, ओके स्ट्राइक, यहाँ पर मेरे को जाना चाहिए था लाइक स्ट्राइक के लिए। ओके तो यहाँ पर चलो कैच कर लिया उसने, काफ़ी पिटाई हो गई ऐसे MUI की हमारी। ओके यहाँ पर स्विच करूँगा मैं अपने विजिटा में, लेट्स सी। ओके तो यहाँ पर वो उसने रुक गया। ओके 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 ओके, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कार्ड कुछ नहीं कर रहा वो, देन अपने ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगा, क्योंकि 50% जैसी HP लो आती है ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ओके यहाँ पर उसने डॉच कर लिया था, काफ़ी वेट किया मैंने भी, और यहाँ पर तुरंत मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, RR मार दो भाई साहब। बहुत ही खतरनाक यूनिट है ये, MUI के लेवल का यूनिट है भाई साहब। अल्ट्रा यूनिट्स आर सो मच डेंजरस यूनिट, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनके अंदर भाई। तो इसको मार देते हैं ताकि यार जो उसका एक मेन रीड है वो कम से कम मर जाए, क्योंकि देखो MUI भी खुद में एक 1v3 यूनिट है बट अल्ट्रा बहुत ज़्यादा ही कुछ है यार। तो लेट्स सी, तो उसका एक मिनट हमने मार दिया, अच्छा RR गेस नहीं किया उसने, यहाँ पर डॉच वेट। ओके अभी भाई बहुत वेट कर रहा है मतलब, क्योंकि उसके पास यूनिगॉज है। ओके लेट्स गो। यूनिगॉज की वजह से लोग खड़े हो जा रहे हैं, जहाँ जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं भाई साहब, क्या ही वो बंदा कितना मजे से खड़ा था वहाँ पर, बट वी गॉट हिम। ओके ब्लू कार्ड, आई थिंक वी कैच हिम। ओके कैच कर लिया लेकिन मर नहीं रहा यार, कितना टाइम कर रहा है ये। मेरा विजिटा भी 8 स्टार का ही है तो आई थिंक। ओके डॉच, ओके ओके लेट्स गो, मुझे पता नहीं करेगा ऐसा कुछ। ओके डॉच, नाइस कैच, फिलिम मर गया ये यहाँ पर। ओके 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 आई थिंक तो मैच हम जीत गए दारू दो। तो ये दिस इज द पावर ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गाइस, लेट्स गो फॉर द सेकंड मैच। प्लेट सेकेंड मैच गो अप अगेंस्ट सुपर वॉरियर, अब साथ में वेजिटा है तो सुपर वॉरियर पूरा नहीं कर सकते बट वेजिटा है यहाँ पर, तो सभी लोग ऑलमोस्ट वेजिटा से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं भी खुद भी वेजिटा से स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होने का बहुत ज़्यादा की हीलिंग करता है तो ऑलमोस्ट पूरा HP रिकवरी कर लेता है वो, तो इसकी वजह से सब लोग वेजिटा से स्टार्ट करना पसंद करते हैं। शुरू में इसको मतलब डैमेज भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये बंदा वही कर रहा है कि किसी तरह उसका मतलब वेजिटा 50% HP से नीचे आ जाए और वो तो इसको हील करके मतलब पूरा रिकवर कर लेगा। तो आई थिंक अब ट्रांसफॉर्म कर लेगा, दैट्स इट। देखा पूरा हीलिंग कर ली उसने और पूरा HP ही रिस्टोर कर ली उसने, तो कोई मतलब ही नहीं था ये। ओके तो सारे डैमेज उस चला गया बफ, मतलब सॉरी सारे मतलब हमारे वेस्ट हो गया। ओके तो यहाँ पर काफ़ी वेट किया मैंने और यहाँ पर कैच करता हूँ मैं इसको यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर मैंने स्विच नहीं किया बिकॉज आप बस डैमेज देखने के लिए टाइप न्यूट्रल की मतलब सॉरी टाइप डिस एडवांटेज की तरफ कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है। ओके तो यहाँ पर स्विच करना पड़ेगा, स्विच नहीं थोड़ा सा वैनिश रह गया था, स्विच अप करना पड़ेगा। ओके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको MUI कैसा पसंद आया, क्या आपको लगता है कि मतलब ये G-tier यूनिट है, क्योंकि अभी भी इसकी कोई वो चार्ट तो आई नहीं है फिलहाल, और उतना मतलब अगर देखो 3 स्टार पे ना उतना जैसे इंप्रेसिव डैमेज तो नहीं, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव डैमेज नहीं है। देखो अल्ट्रा तो एकदम सही में नेक्स्ट लेवल की यूनिट है भाई, उसमें तो कोई शक नहीं है, ऑफेंसिव डिफेंसिस भाई बहुत अच्छे हैं, पर जितना तक मैंने अभी खेला है UI को मुझे लगा कि UI बहुत ही गजब का है, डिफेंसिस भी अच्छे हैं, ऑफेंसिस भी अच्छे हैं, और भाई साहब जो किट है वो तो अच्छी है ही, तो नो डाउट। बट अभी देखते हैं कि लोग इसको क्या क्या बोलते हैं, तो मैंने एक पोल भी डाला हुआ है अपने कम्युनिटी में, वहाँ जाके आप प्लीज़ एक वोट करो और बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो रिसेंट के 2 LF आए हुए हैं
एंड्रॉयड 17, 18 और ये हुआ, इन दोनों में से बेटर रेड यूनिट कौन है आप मुझे पोल में जरूर बताना, मुझे काफ़ी पढ़ कर अच्छा लगेगा। और ओके तो यहाँ पर क्लैश और डॉका बाकी इम्पैक्ट तो ऐसे जीत जाएंगे भाई, मैं भूल गया था। ओ भाई ये तो बहुत लॉल चीज़ है भाई, डॉका बाकी ऑटो विन भाई साहब। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, टैप कार्ड नहीं आते हैं। ओके पीछे अभी भी हमारे यूनिकॉर्न था, हम आराम से खड़े रह सकते हैं। ओके टैकल कर रहा है, उसको पता है। ओके तो ठीक है, ओके तो यहाँ फाइनली हमें मिल गई है फिर से एक मूव करने के लिए। ओके नाइस, यहाँ पर ग्रीन कार्ड करूँगा कि यहाँ पर 35 की मिल जाएगी हमको, तो एक कार्ड फिर से यूज़ कर पाएंगे। ओके लेट्स गो। ओके तो यहाँ स्विच करता हूँ मैं अपने वेजिटा में, मेन एबिलिटी दाब रहा था तभी नहीं, आई थिंक डॉच कर लेगा इसको। ओके नाइस, हम डॉच कर लेंगे। ओके तो यहाँ पर हम कार्ड ड्रा के 2 स्पीड चले तो हम आराम से कुछ थोड़ी देर तो मूव चला सकते हैं अपने अटैक्स को। ओके नाइस, बच गया भाई वो। ओके लेट्स गो। ओके यहाँ पर अल्ट आई थिंक आराम से टैंक कर लिया जाएगा उसको, ज़्यादा उतना ज़्यादा मतलब नहीं होगा डैमेज। या फ्री टू प्ले यूनिट्स जो है इनका शोकेस कराने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझ टाइम मास्टर अल्ट्रा मिला नहीं था तो मन नहीं किया, तो अब बनाऊंगा मैं थोड़ा सा यू नो, थोड़ा सा जब ऑफिस से आऊँगा फ्री हो जाऊँगा तो मिल जाएगा, बना दूंगा मैं। बट अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, लाइक जॉब का सीन हो गया तो फिर अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, तो लाइक मैं पीपी ज़्यादा नहीं कर पाएगा पहले की तरह, बट कंटेंट मैं बनाता रहूँगा ड्रैगन बॉल लेजेंड्स के, ये तो श्योर है। ओके लेट्स सी, राइट लेट कर दिया मैंने, लेट कर दिया। ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर स्विच कर लेता हूँ, अगर उसको पकड़ लेता तो एलएफ मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ओके आई थिंक ये जीत नहीं पाएगा, वैसे भी इसने अपना आरआर वेस्ट कर दिया, मेरे यूनिट आराम से टैंक कर रहे हैं चीज़ों को। ओके यहाँ पर साइड स्टेप की कोई आवाज़ नहीं आई, अब किया इसने, नाइस। तो इसको वेजिटा में जाता हूँ, यहाँ फिनिश करता हूँ, स्विच हो जा भाई स्विच हो जा। ओके तो ये फाइनली मर जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर जाऊँगा ब्लू कार्ड मेन कार्ड एक्टिवेटेड। ओके बस फिनिश खत्म और मैच जीत जाएंगे हम। ओके लेट्स सी, टैकल डॉच नहीं किया इसने, और तो ये मैच ही खत्म हो गया, लेट्स जंप इनटू आवर नेक्स्ट मैच और देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैच किसके साथ होगा। लाइट नेक्स्ट मैच गो अगेंस्ट फ्यूजन टीम बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये भी टीम है, मतलब क्या बोल सकते हो, फ्यूजन टीम या गॉड की टीम बोल सकते हो, गॉड की टीम में बोलना ठीक रहेगा क्योंकि इस लेटेस्ट स्लॉट पे वेजिटा को चला रहा है। तो ओके यहाँ पर मैं देखूँगा साइड स्टेप, साउंड सुन लिया था मैंने। ओके नाइस, तो यहाँ पर हम साइड स्टेप कर लेंगे, नाइस। ओके आई थिंक वो स्विच नहीं करेगा, जैसे पता सब लोग इसको डैमेज लेने देते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्म होती है, सारे डैमेज हील कर लेगा। ओके तो यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी अपने ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट किए हैं, कार्ड ड्रॉ 1 की स्पीड चल रही थी, हमारा यूनिकॉर्न भी भरा हुआ है, आराम से वेनिशिंग ले लेंगे। ओके नाइस, ओके तो मुझे पता था कि टैप करेगा अपना, मैंने वेनिश करा करने की कोशिश करी, बस की नहीं थी, कॉम्बो मैं चेंज नहीं कर पाया उसको। ओके ओके स्लाइड करता हूँ कि मेरे ख़राब वेनिशिंग ना जाए। ओ भाई बंदा बहुत वेट कर रहा है, फर्स्ट टाइम भी उसने बहुत वेट किया था और इस बार भी उसने काफ़ी वेट किया है भाई साहब। ओके लेट्स सी, ओके ओके ये वेजिटा मुझे 2-3 कॉपी और मिल गया होता तो काफ़ी मज़ा आ गया होता, बट ये मिला नहीं मेरे को, लेट्स सी। ओके 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 तो यहाँ पर मैं अपने मुझे डैमेज लेने देना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने स्विच कर दिया वहाँ पर, ज़्यादा डैमेज ले लिया, आई थिंक वेडिटर डैमेज तो कोई दिक्कत नहीं, हीलिंग कर लेता। ओके फाइनली यहाँ पर वेट करने वाले से साइड स्टेप किया। ओके तो स्विच करेगा, मुझे पता था स्विच करेगा, मुझे आराम मार देना चाहिए, एक रेड एवन कम हो जाए यहाँ से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मर जा भाई तू पहले मर जा, क्योंकि उसका 50% एचपी लो हो गया था, मेरा कार्ड भी गिर गया था सारे के सारे और की भी घट जाती है। तो आई थिंक यहाँ ब्लू कार्ड में चूज़ करता हूँ, आई थिंक ब्लू कार्ड नहीं चूज़ करना चाहिए उसको, लाइट किया। तो यहाँ पर ये मर गया, तो एक ब्लू यूनिट कम हो गया, बट जो अब नेक्स्ट बंदा आएगा वो बहुत ही ज़्यादा वो अनोइंग करेगा क्योंकि गोजिटा आते ही लॉक कर देगा हमको। ओके लेट्स सी, हाँ लॉक कर दिया उसने। ओके साइड स्टेप प्लीज, ओके नाइस थैंक यू। और यहाँ पर अगर मेरा विजिटा आ जाता तो मैं इसको लॉकिंग करके मार देता, बट नहीं मार सकता था क्योंकि ये टाइप न्यूट्रल हो गया है। ओके तो यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा अपने अल्ट के लिए, फालतू में अल्ट वेस्ट कर दिया मैंने क्यों। ओके यहाँ पर ये बंदा आ गया, ये भी वेस्ट हो गया। ओके ओके लेट्स सी, तो आई थिंक यूज़ ही कर लेते हैं, कुछ तो डैमेज करेगा ही। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ख़राब गेम प्ले कर दिया, दोनों का अल्ट वेस्ट कर दिया अपने ऐसे ही। ओके लेट्स सी, तो ठीक है क्या ही कर सकते हैं, उम्मीद इससे डैमेज होगा नहीं। ओके नाइस 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 ब्रो, टैप शॉट कार्ड की घटा देता यार ये सेट, यार क्या अनोइंग कर रहा है ये बंदा।
ओके डॉच कर लेंगे, वेजिटा में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म, ओके डॉच, ओके नाइस नाइस नाइस, अच्छा खेल रहा है, काफ़ी अच्छा खेल रहा है, जीत सकता है अभी भी, ओके तो भाई वेट, क्या वेट कर रहा है बंदा, मुझे वेट करना पड़ेगा काफ़ी, ओके अरे लॉकिंग कर दिया इसने, सेट कवर चेन नोटिफिकेशन भी हो गया, तो यहाँ से हम अपने म्यूआर के भी ला ले सकते हैं अब, आई थिंक आर आर, ओके ब्लू कार्ड, ओके तो आई थिंक ये कार्ड डिस्ट्रॉयड कर देगा हमारे सारे, नाइस ओके उस कार्ड में वैसे ब्लू कार्ड था बट उस पर किसी भी ड्रैगन बॉल नहीं था, तो हम ऑलमोस्ट सेकेंड आर आर फॉर्म करने कर रहे हैं अपने यहाँ पर, नाइस ब्रो, चलो ठीक है यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने वेजिटा के लिए, ओके तो यहाँ पर हम फायदे में रहेंगे कि उसका जो वेजिटा भी आएगा वो भी हमसे ज़्यादा डैमेज लेगा ग्रीन के, क्योंकि उसने टाइप एलिमेंट रिवर्स कर दिया था, ओके लेट्स सी कम ऑन वो आए, कम ऑन एम स्विच टू एम ओ आई, दे भाई कितना वेट करा है इस बंदे, ओ भाई देखा काफ़ी वेट किया, मैं भी इस बार ठान लिया था कि भाई साहब वेट करूँगा, लेट्स गो, तो आई थिंक अब कोई ना कोई मरेगा यहाँ पर, मेरे ख्याल से तो कोई ना कोई मर जाना चाहिए, क्योंकि वेजिटा में जाऊँगा और वेजिटा शायद ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब आता है बैटल फील्ड में तो की रिस्टोर करता है, मैं थोड़ा सा दिमाग स्लिप हो गया था तो बाद में मैंने देखा था कि क्या की थी इसकी, ओके यहाँ पर डॉच एंड देन यहाँ मैं डायरेक्ट जाऊँगा और ये मैच खत्म यहाँ पर, तो दैट्स इट गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर दिखाना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन।